मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2 एलिमेंट्स। ये बड़ी इजी एक्सरसाइज है, इसमें हमें जो 10th में आइडेंटिटी यूज की है उन्हीं का यूज करना है। फर्स्ट क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, इन्हीं का बेसिक यूज होगा 3.2 एक्सरसाइज। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट पार्ट है साइन 4x माइनस में कोस की पावर 4x इक्वल टू साइन स्क्वायर x माइनस में कोस स्क्वायर x। लेफ्ट हैंड साइड देखो, इसकी साइन की 4x माइनस में कोस की 4x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, यहाँ से यूजिंग फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, बी की जगह पे क्या है, कोस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कोस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। नाउ हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1। नाउ यूजिंग अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, यहाँ से साइन एक्स माइनस में कोस एक्स इंटू में साइन एक्स प्लस में कोस एक्स इंटू में 1। लेकिन हमें ये राइट हैंड साइड में क्या चाहिए था, साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कोस स्क्वायर एक्स, तो एज इट इज हम यही भी छोड़ सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कोस स्क्वायर एक्स, यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ सेकेंड पार्ट इज साइन 6x प्लस में कोस 6x इक्वल टू 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। यहां से देखो हमारे पास ये स्क्वायर का फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है, आपने अगर साइन एक्स का मैंने ये लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स और इसकी पावर 3, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, तो यहाँ से स्क्वायर वाला नहीं बन रहा था, तो हमने क्या कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स की पावर क्या कर दी, 3, क्योंकि पावर टू पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, प्लस में कोस स्क्वायर एक्स की पावर 3। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं हम और राइट हैंड साइड को प्रूव कर देंगे, इसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ से फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो किसका लगेगा, प्लस वाला, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस में 3ab इंटू ए प्लस बी, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इधर आ गया 3ab इंटू में ए प्लस बी, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए थी यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ से मैंने और सभी टर्म्स को उधर लेके गए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल आ गया, ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे ए की जगह पे क्या है साइन स्क्वायर एक्स, बी की जगह पे क्या है कोस स्क्वायर एक्स, फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर देंगे, ए प्लस बी का क्यूब मीन्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, इसका क्या हो गया क्यूब माइनस में 3, ए बी मीन्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू में ए प्लस बी मीन्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई फिर से 1 के, ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई 1 के, 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू में 1, किसके इक्वल प्रूव करना था हमें, राइट हैंड साइड में भी यही टर्म है, 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ लिख देंगे राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज फर्स्ट पार्ट है सेकेंड क्वेश्चन का, टेन स्क्वेयर एक्स माइनस में साइन स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल प्रूव करना है, टेन स्क्वेयर एक्स इंटू में साइन स्क्वेयर एक्स, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में देखो
टेन स्क्वेयर एक्स, हमें पता है ना टेन एक्स किसके इक्वल होता है, साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन में कोस स्क्वेयर एक्स माइनस में साइन स्क्वेयर एक्स। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से कितना आ गया कोस स्क्वेयर एक्स, ऊपर हो गया साइन स्क्वेयर एक्स माइनस में इस कोस स्क्वेयर की, कोस स्क्वेयर एक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, साइन स्क्वेयर एक्स के साथ। क्या कॉमन आ रहा है ऊपर से साइन स्क्वेयर एक्स, यहाँ वन माइनस में कोस स्क्वेयर रह गया, वन माइनस में कोस स्क्वेयर एक्स अपॉन में कोस स्क्वेयर एक्स। अब ये देखो साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन में कोस स्क्वेयर एक्स फिर से क्या बन गया टेन स्क्वेयर एक्स, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए टेन एक्स, तो ये स्क्वेयर है तो क्या बन गया यहाँ से टेन स्क्वेयर एक्स। अब वन माइनस में कोस स्क्वेयर एक्स, ये किसके इक्वल होगा साइन स्क्वेयर एक्स, कैसे यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वेयर एक्स प्लस में कोस स्क्वेयर एक्स इक्वल टू वन, यहाँ से वन माइनस में कोस स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल आ गया साइन स्क्वेयर एक्स। तो यही क्या है हमारी राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ सेकेंड पार्ट इज वन माइनस में टेन स्क्वेयर ए अपॉन में वन प्लस में टेन स्क्वेयर ए इक्वल टू कोस स्क्वेयर ए माइनस में साइन स्क्वेयर ए। लेफ्ट हैंड साइड में टेन स्क्वेयर ए को लिखेंगे साइन स्क्वेयर ए अपॉन में कोस स्क्वेयर ए, सिमिलरली नीचे भी वन प्लस में साइन स्क्वेयर ए अपॉन में कोस स्क्वेयर ए, ऊपर से एलसीएम कितना आ गया कोस स्क्वेयर ए, ऊपर हो गया कोस स्क्वेयर ए माइनस में साइन स्क्वेयर ए, नीचे एलसीएम है इसका कोस स्क्वेयर ए। सिमिलरली हम डिनोमिनेटर में भी क्या लेंगे एलसीएम, ये भी कितना आ गया कोस स्क्वेयर ए प्लस में साइन स्क्वेयर ए। अब दो टर्म पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ये नीचे वाले टर्म ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, मीन्स कोस स्क्वेयर ए माइनस में साइन स्क्वेयर ए अपॉन में कोस स्क्वेयर ए, ये टर्म ऊपर गई तो कोस स्क्वेयर ऊपर ऊपर चला गया, नीचे क्या रह गया कोस स्क्वेयर ए प्लस में साइन स्क्वेयर ए, कोस स्क्वेयर से कोस स्क्वेयर कैंसिल, कोस स्क्वेयर ए माइनस में साइन स्क्वेयर ए, ये आइडेंटिटी किसके इक्वल है यहाँ से वन की, यही क्या थी हमारी राइट हैंड साइड कोस स्क्वेयर ए माइनस में साइन स्क्वेयर ए इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज रूट वन प्लस में साइन एक्स अपॉन में वन माइनस में साइन एक्स इक्वल टू सीकेंट एक्स प्लस में टेन एक्स, इसके इक्वल हमें इसको प्रूव करना है, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। अगर हमें रूट गिवन हो तो उसमें क्या करेंगे रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं रेशनलाइजेशन, तो रूट के अंदर ही हम क्या करेंगे यहाँ से रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का, वन माइनस में साइन एक्स है किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा रूट के अंदर ही वन प्लस में साइन एक्स अपॉन में वन प्लस में साइन एक्स, ऊपर क्या हो गया वन प्लस साइन एक्स इंटू में वन प्लस साइन एक्स मीन्स वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वेयर, नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, वन माइनस में साइन स्क्वेयर एक्स क्योंकि वन का स्क्वेयर वन और साइन एक्स का साइन स्क्वेयर एक्स। अब यहाँ से नीचे ये वैल्यू किसकी होती है वन प्लस में साइन एक्स होल स्क्वेयर वन माइनस में साइन स्क्वेयर एक्स, यहाँ से किसके इक्वल होगा कोस स्क्वेयर एक्स, दोनों टर्म का इकट्ठा स्क्वेयर लिख सकते हैं ना हम वन प्लस में साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स कंप्लीट का होल स्क्वेयर, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट क्या हो गया कैंसिल, वन प्लस में साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स आ गया, हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए सीकेंट एक्स प्लस में टेन एक्स, तो अलग अलग डिवाइड कर दें इसको, वन अपॉन में कोस क्या होता है सीकेंट एक्स, साइन अपॉन में कोस क्या होता है टेन एक्स, तो ये किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड, ये हमने बेसिक्स में पढ़ रखा है कि साइन अपॉन में कोस टेन होता है वन अपॉन में कोस क्या होता है सीकेंट होता है, और टेंथ में भी इसका यूज हुआ है। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन रूट के अंदर है वन माइनस में कोस एक्स अपॉन में वन प्लस में कोस एक्स, किसके इक्वल प्रूव करना है कोसिकेंट एक्स माइनस में कोट एक्स, सेम एज इट इज हम क्या करेंगे इसमें लेफ्ट हैंड साइड में रेशनलाइजेशन वन माइनस में कोस एक्स अपॉन में वन प्लस में कोस एक्स इंटू में वन माइनस में कोस एक्स अपॉन में, क्योंकि नीचे प्लस था तो किसे करेंगे माइनस वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड,
ऊपर हो गया 1 माइनस कोस एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स, मीन्स 1 माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से 1 माइनस कोस स्क्वायर है यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी, किसके इक्वल है साइन स्क्वायर एक्स के, यहाँ पे एंगल थीटा है यहाँ पे एंगल एक्स है, तो ये किसके इक्वल हो गया साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस में कोस एक्स होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी, कंबाइन करके हम स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन में कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स, कंप्लीट का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 माइनस में कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स। अब हमें पता है 1 अपॉन में साइन एक्स किसके इक्वल होता है कोसिकेंट एक्स, माइनस में कोस अपॉन में साइन किसके इक्वल होता है कोट एक्स, यही क्या है हमारी राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में कोस एक्स, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं हम, 1 माइनस में कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स, इसमें भी क्या करेंगे हम रेशनलाइजेशन, किसका करेंगे अब की बार न्यूमरेटर का, मींस 1 माइनस कोस एक्स है तो किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें 1 प्लस में कोस एक्स, क्योंकि हम ये क्यों कर रहे हैं रेशनलाइजेशन, क्योंकि यहां से फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर बन गया 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स, नीचे क्या हो गया साइन एक्स इंटू में 1 प्लस में कोस एक्स, नाउ 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी किसके इक्वल होगा साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में साइन एक्स इंटू 1 प्लस में कोस एक्स, साइन एक्स की एक पावर से एक पावर कैंसिल, किसके इक्वल आ गया साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में कोस एक्स, यही क्या है हमारी राइट हैंड साइड। नाउ सेकेंड पार्ट, सीकेंट एक्स माइनस में सीकेंट एक्स माइनस में टेन एक्स अपॉन में क्या है सीकेंट एक्स प्लस में टेन एक्स इक्वल टू 1 माइनस में टू सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस में टू टेन स्क्वायर एक्स, इसके इक्वल ये प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे सीकेंट एक्स माइनस में टेन एक्स सीकेंट एक्स प्लस में टेन एक्स, हमें पता है सीकेंट और टेन में एक आइडेंटिटी है कौन सी सेकेंड नंबर वाली, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है सीकेंट स्क्वायर थीटा, लेकिन ये आप तो सिंगल टर्म है स्क्वायर नहीं हमारे पास, तो स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ से रेशनलाइजेशन, किसका करते हैं हम ऊपर वाली टर्म का, क्या क्या हो जाएगा यहाँ से सीकेंट एक्स प्लस में टेन एक्स, नीचे से क्या आ जाएगा यहाँ से सीकेंट एक्स प्लस में सॉरी हम डिनोमिनेटर का ही कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें इसमें क्या चाहिए डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म नहीं है, इसमें अपॉन में 1 है तो नीचे फॉर्मूला बनाना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से सीकेंट स्क्वायर टेन को उधर लेके गए सीकेंट स्क्वायर माइनस में टेन स्क्वायर है टेन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, तो इसलिए हमें डिनोमिनेटर का यहाँ पे क्या करना होगा रेशनलाइजेशन, तो यहाँ पे बीच में प्लस है तो किससे कर दिया माइनस वाली टर्म से, ऊपर क्या हो गया a माइनस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, अब हमें पता है सीकेंट स्क्वायर माइनस में टेन स्क्वायर किसके इक्वल है 1 के, नीचे क्या आ गया 1 ऊपर हो गया सीकेंट एक्स माइनस में टेन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस में टेन स्क्वायर एक्स माइनस में टू सीकेंट एक्स टेन एक्स, राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए देखो सीकेंट एक्स टेन एक्स की तो टर्म है, यहाँ पे टू टेन स्क्वायर एक्स होना चाहिए और 1 आना चाहिए, तो हमें पता है सीकेंट स्क्वायर एक्स यहाँ से किसके इक्वल है 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स, यानी कि कंप्लीट ये टर्म किसमें दे रखे हैं यहाँ पे 10 में, तो सीकेंट को हम किसमें चेंज कर सकते हैं 10 में, तो फॉर्मूला यूज कर लिया 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स प्लस में 10 स्क्वायर एक्स माइनस में 2 सीकेंट एक्स 10, यहाँ से 10 स्क्वायर प्लस में 10 स्क्वायर 2 10 स्क्वायर एक्स माइनस में 2 सीकेंट एक्स
10x, यही क्या है हमारी राइट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज सीकेंट 4x माइनस में सीकेंट स्क्वेयर x इक्वल टू 10 की 4x प्लस में 10 स्क्वेयर x. यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से सीकेंट की 4 पावर है, यहाँ पे सीकेंट की 2 पावर है, क्या कॉमन ले ले सीकेंट स्क्वेयर x. अंदर क्या रह गया सीकेंट स्क्वेयर x माइनस में 1. अब हमें यूजिंग सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस में 10 स्क्वेयर x किसके इक्वल होता है सीकेंट स्क्वेयर x. यहाँ से सीकेंट स्क्वेयर x माइनस में 1 को इधर लेके गए, सीकेंट स्क्वेयर x माइनस में 1 किसके इक्वल हो गया 10 स्क्वेयर x. तो यहाँ से सीकेंट स्क्वेयर x की जगह पे क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में 10 चाहिए तो इसको 10 में चेंज करेंगे तो सीकेंट स्क्वेयर x की वैल्यू यहाँ पे 1 प्लस में 10 स्क्वेयर x पुट कर देंगे. यहाँ से सीकेंट स्क्वेयर माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई 10 स्क्वेयर x. अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 10 स्क्वेयर x प्लस में 10 की 4x, यही क्या थी हमारी राइट हैंड साइड. नाउ सेकेंड पार्ट इज साइन की पावर 8x माइनस में कोस 8x इक्वल टू साइन स्क्वेयर x माइनस में कोस स्क्वेयर x 1 माइनस में 2 साइन स्क्वेयर x कोस स्क्वेयर x, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है. राइट सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर साइन की 4 एक्स की स्क्वेयर साइन की पावर 4 और इसका क्या कर देंगे स्क्वेयर क्योंकि पावर टू पावर क्या होती है मल्टीप्लाई माइनस में कोस की 4x इसका होल स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी मीन साइन की 4x माइनस में कोस की 4x ए की जगह पे ये वैल्यू है और बी की जगह पे ये इंटू में साइन की 4x प्लस में कोस की 4x. अब यहाँ से फिर से फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर माइनस कोस स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर ये एज इट इज साइन स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर इसको ऐसे खोल के लिख सकते हैं हम कोस स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर. यहाँ से देखो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर फिर से फॉर्मूला लग जाएगा ये किसके इक्वल होता है साइन स्क्वेयर एक्स प्लस में कोस स्क्वेयर एक्स इंटू में साइन स्क्वेयर एक्स माइनस में कोस स्क्वेयर एक्स. अब ये देखो ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है ए प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस में टू ए बी क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वेयर किसके इक्वल होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में टू ए बी. यहाँ से हमें ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर चाहिए तो उसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस में टू ए बी. तो यहाँ लिख देंगे ए की जगह पे साइन स्क्वेयर एक्स बी की जगह पे कोस स्क्वेयर एक्स साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स होल स्क्वेयर माइनस में टू ए बी करेंगे तो मीन साइन स्क्वेयर एक्स इंटू में कोस स्क्वेयर एक्स. यहाँ से साइन स्क्वेयर एक्स प्लस में कोस स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल है वन के वन इंटू में साइन स्क्वेयर एक्स माइनस में कोस स्क्वेयर एक्स इंटू में साइन स्क्वेयर एक्स प्लस में कोस स्क्वेयर वन का होल स्क्वेयर माइनस में टू साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स. यानी कि लेफ्ट हैंड साइड सोल्व होने के बाद हमारी आ गई साइन स्क्वेयर एक्स माइनस में कोस स्क्वेयर एक्स इंटू में वन माइनस में टू साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर, यही क्या है हमारी राइट हैंड साइड. बस हमने क्या किया देखो इसको लिख दिया साइन की 4x का होल स्क्वेयर इसकी कोस की 4x का ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर खोल दिया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फिर माइनस वाली टर्म फिर से खुल रही है क्योंकि 4 को लिख सकते हैं स्क्वेयर का स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर माइनस कोस स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर. यहाँ से फिर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यहाँ बन रहा था ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस टू ए बी तो मीन्स ए की जगह पे यहाँ पे साइन स्क्वेयर एक्स बी की जगह पे कोस स्क्वेयर एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस में टू ए बी टू साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर ए प्लस बी का होल स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स प्लस में कोस स्क्वेयर एक्स क्या बन गया वन वन माइनस में टू साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स. यहाँ से ये किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ का लास्ट पार्ट है सीकेंट 6x माइनस में 10 6x इक्वल टू 3 10 स्क्वेयर एक्स सीकेंट स्क्वेयर एक्स प्लस में 1. लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे हम इसको क्या लिख सकते हैं स्क्वेयर वाली टर्म तो यहाँ पे बनेगी नहीं फॉर्मूला ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कौन सा बन सकता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब
इसको लिख लेंगे सीकेंट स्क्वेयर एक्स का क्यूब माइनस में टेन स्क्वेयर एक्स का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वेयर। ए की जगह पे यहाँ पे सीकेंट स्क्वेयर एक्स है, बी की जगह पे टेन स्क्वेयर एक्स। फॉर्मूले में पुट करेंगे सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस में टेन स्क्वेयर एक्स इंटू में सीकेंट स्क्वेयर एक्स, ऊपर क्या है इसका स्क्वेयर, प्लस में ए बी मीन्स सीकेंट स्क्वेयर एक्स टेन स्क्वेयर एक्स, प्लस में बी स्क्वेयर मीन्स टेन स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, टेन की पावर फोर एक्स। नाउ यूजिंग सेकेंड फॉर्मूला, वन प्लस में टेन स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल है, सीकेंट स्क्वेयर थीटा। यहाँ से सीकेंट स्क्वेयर माइनस में टेन स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, वन। ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, वन के, वन इंटू में यहाँ पे हो गया सीकेंट स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर प्लस में टेन स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर प्लस में सीकेंट स्क्वेयर एक्स टेन स्क्वेयर एक्स। हमें क्या चाहिए राइट हैंड साइड में, थ्री टेन स्क्वेयर एक्स सीकेंट स्क्वेयर एक्स। तो यहाँ भी इस आइडेंटिटी में एक फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे क्या बनेगा सीकेंट की फोर एक्स प्लस में टेन की फोर एक्स। तो यहाँ से हम बना लेते हैं सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस टेन स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर। अगर ये फॉर्मूला मैं खोलूंगी तो क्या आएगा, सीकेंट की फोर एक्स प्लस में टेन की फोर एक्स माइनस में टू सीकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू में टेन स्क्वेयर एक्स। और यहाँ पे क्या है हमारा, है क्या यहाँ पे सीकेंट स्क्वेयर एक्स प्लस में टेन स्क्वेयर एक्स, वन इसके आगे क्या है वन, यानी कि एक वैल्यू बची हुई है सीकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू टेन स्क्वेयर की, यहाँ पे माइनस टू सीकेंट स्क्वेयर टेन टेन स्क्वेयर एक्स है, इसमें क्या एड करेगी ये वैल्यू बची है तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लस में थ्री सीकेंट स्क्वेयर एक्स टेन स्क्वेयर एक्स, क्योंकि ये वैल्यू हमें पता है सीकेंट स्क्वेयर माइनस टेन स्क्वेयर एक्स इस आइडेंटिटी से वन के इक्वल हो जाएगा, इसलिए मैंने ये माइनस बी का होल स्क्वेयर यूज किया है। तो यहाँ से माइनस में टू ए बी बचेगा और यहाँ पे ये टर्म है मूल, तो इस टर्म में हम क्या ऐड करेगी ये आ जाए, तो क्या ऐड करना पड़ेगा इसमें थ्री सीकेंट स्क्वेयर एक्स टेन स्क्वेयर एक्स। तो यहाँ से ये वैल्यू किसके इक्वल है, वन के, वन माइनस सॉरी वन प्लस में थ्री सीकेंट स्क्वेयर एक्स टेन स्क्वेयर एक्स, यही क्या है हमारी राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।